नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमए विद्या चैनल नंबर 9 और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ रेणु भट्ट। हम इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। हम सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सत्र लेकर आए हैं और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पार्ट 1 पर, यानी कि संविधान निर्माण पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये और बच्चों को जानना चाहिए इस बारे में। आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट, चलिए उनसे भी मुलाकात करते हैं। आप हैं श्री गोपाल प्रसाद शाही, आप लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस से राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार दिल्ली से। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपका और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और बच्चों, किस तरह से आप इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं हम आपको बता देते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में आए या फिर कुछ आप जानना चाहते हैं संविधान निर्माण के बारे में, संविधान के बारे में, या फिर अपनी कोई बात आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800 440 559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है dth.class9@cit.nic.in। और हमें इंतजार रहेगा आपके पार्टिसिपेशन का। और जब तक हमारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं सर, हम आपके पास आते हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की और बहुत जरूरी हो जाता है। इस सवाल के साथ हम इस शुरुआत करें सत्र की कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, हमारे बच्चे उससे क्या मतलब ले सर। बिल्कुल मैम, मैं समझता हूँ कि न केवल पढ़ाई के वो ध्यान में रखते हुए बल्कि ऐसे भी दैनिक जीवन में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहिए और वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी कई बातें हैं जो हमारे काम आती हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं और लोकतंत्र क्यों हमें चाहिए। तो उस पाठ में आपने यह भी देखा होगा कि लोकतंत्र में चाहे सरकार हो या फिर सामान्य नागरिक, दोनों में से किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता, असीमित शक्तियाँ नहीं होती हैं उनके पास, उन्हें भी संविधान के दायरे में रह करके ही काम करना पड़ता है। तो जब संविधान के दायरे में रह करके सरकार को काम करना पड़ता है, नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से चलना होता है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यह जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ तो संविधान नियमों और कानूनों का एक संकलन है जिसको उस देश में रहने वाले सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसको अपनाते हैं और उनको अपनाना पड़ता है। और आप देखें तो इसके कुछ जो है ना, आपको स्लाइड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। तो यह क्या है, तो एक लिखित नियमों और कानूनों का संकलन है जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं एक साथ जो किसी देश में रहते हैं। कहा जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमीन्स द रिलेशनशिप अमंग द सिटीजन्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। कि देश के किसी मैंने विभिन्न नागरिकों के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे, सरकार और जो है उस देश के नागरिकों के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे, तो इसको भी निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, संविधान के द्वारा ही किया जाता है। कहते हैं इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। कि एक अच्छे समाज का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन से हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, कौन कौन सी हमारी आकांक्षाएं हैं, यह भी कहाँ पे प्रतिबिंबित होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही होता है। यानी अगर एक सामान्य नागरिक के रूप में अगर सोचा जाए तो जिस तरह से किसी परिवार को, किसी संस्था को या विद्यालय को चलाने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो उसी प्रकार से किसी देश और समाज को चलाने के लिए भी नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। और जिस पुस्तिका में इसका जिक्र होता है, जिसमें वो सारी बातें लिखी होती हैं, तो संक्षेप में हम लोग उसे संविधान कहते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, अब है कि आप देखें कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल उठता है कि भाई किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है जी। तो जैसा अभी हमने प्रारंभ में ही कहा कि किसी परिवार या समाज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह से कहते हैं टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपरली, कि किसी भी देश को उचित तरीके से चलाने के लिए भी हमें नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ती है।
और जो कहाँ पे उल्लेखित होते हैं तो संविधान में होते हैं। उसी तरह से कहते हैं कि टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट एमंग डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि समाज में विभिन्न समूह होते हैं, उनके अपने अपने विचार होते हैं, उनके अपने अपने हित होते हैं, तो उन सभी लोगों में एक जो ट्रस्ट होता है उसको बिल्ड करना, एक विश्वास, एक भरोसा जो है वो पैदा करना और उसको कायम रखना, यह भी काम किसका होता है, तो संविधान का होता है। उसी तरह से किसी भी देश में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम होगा या नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, यह भी हमें संविधान बताता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है या यूएसए में आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इस बात का जिक्र कहाँ है, उस देश के संविधान में है। तो किसी भी देश में शासन का स्वरूप क्या होगा, यह भी हमें संविधान बताता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एट्सेट्रा, यानी दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है उसको नहीं होने देना है, या भेदभाव से लोगों को बचाना है, चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो अथवा लिंग के नाम पर हो जी। तो संविधान का एक बेसिक कर्तव्य यह भी होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार की सरकार होगी, सरकार के कौन कौन से दायित्व होंगे, लोगों के कौन कौन से अधिकार होंगे, इन तमाम बातों का जिक्र जो है संविधान में होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी देशों का एक संविधान है। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा कि जो लोकतांत्रिक देश है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और उसके उदाहरण हम ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इंडिया, यूएसए और तमाम देशों में हम लोग देख सकते हैं जी। अब यहाँ पे क्या है, आप अगर देखें तो इस चैप्टर में क्लास नाइन्थ के लिए दो कंट्रीज का रेफरेंस दिया गया है। अच्छा। एक है आपको साउथ अफ्रीका का और एक है आपको इंडिया का। तो सबसे पहले हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने कि क्यों जरूरत है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर, बहुत ही संक्षेप में। निश्चित रूप से मैम। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग फ्रेम करते हैं वो कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी एक्सपर्टाइज किसी पर्टिकुलर फील्ड में होती है, और वो देश की जनता के नुमाइंदे होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनके द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में संविधान का निर्माण किया जाता है। अगर भारत के संदर्भ में देखा होगा आपने या सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा हमारे देश में संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का गठन 1946 में होता है, 9 दिसंबर आपको 1946 में इसकी पहली बैठक होती है, और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोग स्वीकार करते हैं और इसे इंप्लीमेंट करते हैं, कब, 26 जनवरी 1950 को। तो तकरीबन 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग जाते हैं इस देश के संविधान को निर्माण, इस देश के संविधान को बनाने में। और बहुत सारी जो है चर्चाएं हैं जो आगे हम लोग, मैं समझता हूँ कि बच्चों को बताएंगे जो है। तो जो है संविधान हर देश में एक विशेषज्ञ समूह के द्वारा बनाया जाता है, जिसको पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। तो जैसा कि हमने बताया कि भारत में भी संविधान सभा का गठन हुआ था, और जब चर्चा चली गई है तो मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ इसके बारे में, खास करके भारतीय संविधान सभा के बारे में, कि हमारे देश में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और प्रारंभ में जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय हमारे देश में 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के जी। तो उसमें से दो तरह के उसमें राज्य थे भारत में, एक आपको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस यानी वैसे प्रांत, वैसे राज्य जिसका डायरेक्ट शासन किसके कंट्रोल में, तो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स, मतलब द स्टेट्स रूल्ड बाय किंग और क्वीन जो है, तो वो हो गए प्रिंसली स्टेट। तो इस तरह उसकी संख्या आपको कुल में आके 565 थी, और आपको चीफ कमिश्नरी जो है प्रोविंसेस थे 4, जैसे दिल्ली है, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 जो है ये कमिश्नरी प्रोविंसेस थे। तो कुल मिलाकर के जो 389 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, तो उसमें से 292 मेंबर्स का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, वो आपको
जो हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर थे, उनके प्रांतीय जो विधानसभा के सदस्य थे, उनके द्वारा 292 मेंबर्स का चुनाव किया गया। और जो कमिश्नरी प्रोविंसेस थे, हमने कहा कि दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ एक साथ, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, उसे 4 सदस्यों का चुनाव किया गया। और बाकी के जो 93 मेंबर्स थे, उसका चुनाव देसी रियासतों के द्वारा किया गया। और जब देश का विभाजन हो गया, तो विभाजन के पश्चात उसमें कुल मिलाकर के 299 मेंबर्स रह गए, ठीक है। तो उस 229 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से, उस समय जो टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस थे वो 11 थे, और जो देसी रियासतें थी वहां से आपको 70 सदस्यों का चुनाव हुआ। तो इस तरह से हमारे देश में 1946 से संविधान निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। और देखते हैं कि आपको लगभग 3 वर्षों के पश्चात 1949 के आखिर में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार होता है। उसमें बहुत सारी कमेटियां थीं, अच्छा बहुत सारे उसमें लोग थे जिनको अलग अलग काम सौंपा गया था। दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और वहां की जो अच्छी अच्छी बातें थी उन बातों को भी हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। और हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया का जो है ना, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर संविधान वो भारत का संविधान है। कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो है यह लिखित संविधान है, इतना व्यापक संविधान दुनिया के और किसी देश में नहीं मिलता है। तो आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे देश के संविधान में बहुत सारी खूबियां हैं। जी सर, हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आपने रंग भेद की भी बात की थी और आप कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे थे, तो उसे हम जारी रखते हैं सर। निश्चित रूप से मैम। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि जैसा कि आपको सबसे पहले साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में आपको यूरोप से ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ अफ्रीका आती है, जैसे भारत में आई हुई थी। और धीरे धीरे उन्होंने क्या कहा, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको अपने हाथों में ले लिया। अब आप देखें कि जो साउथ अफ्रीका का कुल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का मोर मैंने देन 3/4 जो है 75% से ज्यादा वो कौन रिप्रेजेंट, तो ब्लैक्स करते थे। और वो 2011 का जो सेंसस हुआ है अभी, उसके हिसाब से जस्ट 9.1% है जो वहाँ पे वाइट्स हैं जो है आपको, तो लगभग वही 9-10% के बीच में थे। और बाकी जैसे वहाँ पे कहते हैं कलर्ड, जो मिक्स्ड रेसेस के लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि 8.9% हैं। उसी प्रकार से इंडियंस 2.5% हैं। तो जो यूरोपियन साउथ अफ्रीका में आए 17वीं और 18वीं शताब्दी में, तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि ताकत के बदौलत, जोर जबरदस्ती के बदौलत, हथियारों के बदौलत, वहाँ धीरे धीरे प्रशासन के ऊपर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब स्थापित कर लेने के बाद जितनी भी अधिकार, जो फर्टाइल लैंड है वो लैंड किसके पास है, आपको गोरे लोगों के पास है। अब जितने भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इसके बाद आपको देखें कि बस स्टॉप, एम्बुलेंस, तमाम इस तरह की चीज़ें, जितने भी सार्वजनिक स्थल होते थे, वो सारे चीज़ें ब्लैक्स के लिए अलग होते थे और वाइट्स लोगों के लिए अलग होते थे। दोनों के लिए अलग अलग वो रिजर्व होते थे। और इवन कि जो ब्लैक्स या और जो नॉन वाइट्स थे वहाँ पे, उन्हें भी अगर काम करने के लिए जाना पड़ता था गोरे बस्तियों में, तो उसके लिए भी परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती थी। और यह जो है लंबे समय तक वहाँ चला। और प्यारे बच्चों, आप सबने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। मुझे लगता है कि न केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए, बल्कि पूरे विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं या दुनिया के वैसे तमाम लोग जिनको लोकतंत्र में आस्था है, तो मैं समझता हूं कि नेल्सन मंडेला के नाम से जरूर वो परिचित होंगे और उनसे बहुत सी वो जो है कि प्रेरणा पा सकते हैं। वहां देखें कि मैं इस चीज को और विस्तार से बताऊं, तो उसके पहले एक उनका कोट है, मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, कि जो श्वेत लोगों का प्रभुत्व था उसके विरुद्ध हमने संघर्ष किया। एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, जो अश्वेत लोगों का प्रभुत्व है उसके विरुद्ध भी हमने जो है कि संघर्ष किया। कहते हैं आई हैव चेरिश द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। अब वो कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना करते हैं। किस प्रकार की समाज, तो इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी, जिसमें सभी लोग मिलजुल करके रह सकें, विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो सभी लोगों को समान अवसर मिले, ठीक है। इसी में देखें, कहते इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर,
और यह एक इस प्रकार का विचार है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, एंड टू सी रियलाइज, और इसको मैं हासिल करना चाहता हूँ। कहते हैं बट माई लॉर्ड इफ नीड्स बी इट इज एन आइडिया फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, और यह एक ऐसा विचार है जिसके लिए मैं मरने तक को तैयार हूँ। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है। अब आप देखें ये जो तस्वीर अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, तो इनका जन्म 1918 में होता है, और जिस तरह से अतः देखें जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन रहा है और दक्षिण अफ्रीका का, कई मायनों में दोनों काफी सिमिलर है। जिस तरह से हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी तरह से वहाँ पे था ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उस संगठन, वह संगठन जो है वहाँ को बने साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र को कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब 1944 में नेल्सन मंडेला उस संगठन को ज्वाइन करते हैं, और 1961 में इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, हालांकि वो मुकदमा जो है साबित नहीं हो पाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। और फिर 1964 में कहते हैं कि वहाँ जितने भी कामगार थे, जितने मजदूर थे, कि उनको स्ट्राइक के लिए प्रोवोक करने के लिए, उनको जो है ना एक तरह से कहें कि भड़काने के लिए या बिना इजाजत विदेश की यात्रा के लिए इनको आजीवन, इनको मैंने नेल्सन मंडेला और इनके सात साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। कब? 1964 में। और उसके वक्त क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में एक इस प्रकार का संविधान हो जिसमें अश्वेत और श्वेत या और दूसरे जितने तमाम लोग वहाँ पे रह रहे थे दोनों को समान अधिकार मिले, और वहाँ की जो गोरी सरकार थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। तो इनके ऊपर देशद्रोह, बेसिकली जो होता है ट्रिजन या देशद्रोह में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी देश में जो शासन व्यवस्था होती है उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई व्यवस्था गलत ही है और उस व्यवस्था को अगर किसी भी देश के नागरिक या वहाँ का कोई संगठन उसको उखाड़ फेंकना चाहता है, उसकी जगह पे कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना चाहता है, तो जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उसको देशद्रोह का नाम देते हैं। तो 1964 में इस बंदे को और इनके सात साथियों को जो है आजीवन कारावास की सजा होती है, और कहते हैं कि जेल में रहने के दौरान उन्होंने एक जो अपनी आत्मकथा लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है दबाव धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला गया वहाँ की श्वेत सरकार के ऊपर, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी उस पर कोई बहुत अधिक फर्क जो है नहीं पड़ा। मैंने जो वहाँ पे उत्पीड़न, जो अत्याचार, या जैसे रंग भेद में ही क्या होता है, कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, किसी के त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, और साउथ अफ्रीका में भी ऐसा मान लिया गया जो गोरी चमड़ी के लोग हैं वो श्रेष्ठ होते हैं और जो ब्लैक हैं, जो अश्वेत हैं या नॉन वाइट्स हैं वो इन्फीरियर होते हैं उनके कंपैरिजन में जो है। अच्छा, आप एक चीज मैंने विडंबना देखें कि बाहर से लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, धीरे धीरे जो है अपने आर्म्स का इस्तेमाल करके, फोर्स का इस्तेमाल करके उस पूरे देश के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। उन लोगों से बाई फोर्स काम कराया जाता है, उनको कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता। आपने कहा कि इवन जो बस स्टॉप, बसेस, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स, तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो वाइट्स के लिए अलग रिजर्व होते थे, ब्लैक्स के लिए अलग रिजर्व होते थे। तो बहुत ही अधिक उन लोगों को उत्पीड़न या अत्याचार सहना पड़ा वहाँ ब्लैक्स को। तो पूरी दुनिया में जो है न 80 और 90 के दशक में वहाँ की जो रंगभेदी सरकार थी जिसको हम कहते हैं अपार्थाइड जो है गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कई आवाज़ें उठी दुनिया के अलग अलग कोने से, लेकिन बावजूद तब भी जो है बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली जब मैंने साउथ अफ्रीका के भीतर लोगों का स्ट्रगल या फ्रीडम के लिए मूवमेंट जो है धीरे धीरे तेज होने लगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी प्रेशर वहां की गवर्नमेंट के ऊपर पड़ने लगा, तो अल्टीमेटली वहां की गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया कि अब जो है लंबे समय तक अपनी शासन व्यवस्था को यहाँ पे बनाए रखना या रंग भेद की नीतियों पर चलना हमारे लिए संभव नहीं है। तो क्या होता है कि 3 फरवरी जो है 3 फरवरी 1990 को आपको नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया जाता है।
और फिर जो है आपको 10 मई 1994 को आप देखें वो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, एक नया जो है कि वहाँ पे संविधान बनता है। तो 94 से 96 दो सालों में एक साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतर जो है ना संविधान बनता है। और 7 फरवरी 1996 में वहाँ का संविधान बनकर साउथ अफ्रीका का तैयार हो जाता है और 7 फरवरी 1997 को वहाँ का संविधान लागू होता है। अब आप देखें कि कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सिर्फ 4 मिनट का समय और शेष है हमारे सत्र के लिए। जी सर। अच्छा, एक मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि जो साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया में एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता था, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, अपार्थाइड जो है आपको पॉलिसी के लिए जाना जाता था, और दुनिया के जो चंद सबसे खूबसूरत सबसे जो बेहतर संविधान है उन संविधानों में से एक संविधान है, वो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो उस नए संविधान में वहां के लोगों को व्यापक अधिकार दिया गया, श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों ने मिलकर के उस देश के संविधान को बनाया और दोनों ही लोगों के मन में कई प्रकार के संशय थे। वहाँ के जो अश्वेत लोग थे उन्हें लगता था कि कोई ऐसा मैंने संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन ना हो जाए कि फिर से जो है ना श्वेत लोगों की सत्ता वहाँ पे कायम हो जाए और अश्वेतों को जुल्म और उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। उसी तरह से जो गोरे लोग थे उन्हें लगता था कि जो हमें एक प्रिविलेज मिला है, जो विशेषाधिकार मिला है, जो हमारे पास संपत्ति है, कि कहीं वो ना हमसे छीन जाए। तो दोनों की अपनी अपनी शंकाएं थी। हालांकि इस बात की कोशिश की गई कि संविधान का निर्माण जो है दोनों मिलजुल करके बनाए, एक जो है नया साउथ अफ्रीका का निर्माण हो जहां सभी लोगों को बराबर का दर्जा हो, कोई भी ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, और किसी के जो स्वाभिमान है, किसी भी आत्मसम्मान के विरुद्ध में कोई जो है कि बात नहीं कही जाएगी, कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। और इसी तरह का जो संविधान था महात्मा गांधी भी भारत के लिए देखना चाह रहे थे। और हम सब जानते हैं कि आप देखें कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो 1996 में बनकर के तैयार हुआ है, कई इसके फाउंडिंग प्रोविजन्स हैं कि जैसे ह्यूमन डिग्निटी, द कहते हैं कि अचीवमेंट ऑफ इक्वेलिटी एंड द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, नॉन रेसियलिज्म एंड नॉन सेक्सिज्म जो है, इसी प्रकार से आगे है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, कि कानून का शासन होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी। अच्छा, पहले क्या था, यानी 1996 से पहले जो साउथ अफ्रीका का संविधान था वहाँ अश्वेत लोगों को या नॉन वाइट्स को जो है, जिसमें और भी दूसरे लोग शामिल थे, उन्हें राइट टू वोट नहीं था, लेकिन इस नए संविधान में सभी लोगों को जो है आपको मताधिकार प्रदान किया गया। उसी प्रकार से जो है कि सभी लोगों को वहाँ पे कॉमन सिटीजनशिप दी जाती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो कहते हैं कि इक्वली एंटाइटल्ड टू द राइट्स प्रिविलेजेज बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप, कि नागरिकता का सभी लोगों को समान लाभ मिलेगा, सुविधाएं समान मिलेंगी, एक तरह के जो है ना अधिकार सभी लोगों को दिए जाएंगे। और इक्वली कहते हैं सब्जेक्ट टू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजनशिप, सभी नागरिकों के बराबर जो है ना वो उत्तरदायित्व भी होंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आज दुनिया के सबसे खूबसूरत जो है ना संविधानों में से एक है साउथ अफ्रीका का संविधान। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कैसे जो है एक लंबा संघर्ष साउथ अफ्रीका में चला है, जितने भी वहाँ पे नॉन वाइट थे उन्होंने कैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम की से में अगर जुड़ा हुआ एक अगर इंसिडेंट कहा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जो साउथ अफ्रीका से ही हुआ था। बिल्कुल। तो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला बहुत अधिक प्रेरित थे जो है किसे, वो महात्मा गांधी से, और एक तरह से महात्मा गांधी को जैसे कहते हैं कि राजनीतिक विचारों की जो नींव थी वो कहाँ पे पड़ी, वो साउथ अफ्रीका में ही पड़ी। एग्जैक्टली। और हमारा देश जो है वो 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यह भी एक माइल स्टोन है। और हम लोग नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान की वो कौन सी खूबियाँ हैं, भारत का संविधान भी दुनिया के जो चंद बेहतरीन संविधान से उनमें से एक है, और उसके तहत कौन कौन से व्यापक अधिकार हम लोगों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है जी, तो ये सब इन सब बातों पे हम जरूर नजर डालेंगे। और आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं हम,
75वां साल है और जैसे सर ने कहा कि एक माइलस्टोन है और आगे हम कितने माइलस्टोन ऐसे ही पार करते जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे रहेंगे हमारे ये आने वाले साल। अभी फिलहाल हमें समय बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि अभी आप बने रहिए पीएम ई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम अपने विशेषज्ञ गोपाल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पार्ट वन पर इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी हमारे सभी देखने वालों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन आप बने रहिए पीएमई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।